वेलकम टू श्री क्राफ्ट प्लेस। आज की वीडियो में हम आपको होलिका दहन, होली आने वाली है तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये पेपर जो हम ले रहे हैं ये गुड्डे बिस्किट का है। भाई ये आपको स्पेसिफिकली यही नहीं लेना है, अगर कोई भी आपको जैसे पुराने इन्विटेशन कार्ड्स होते हैं उसके बैक साइड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स हमें थोड़ा हार्ड पेपर चाहिए, नॉर्मल पेपर नहीं चाहिए। और उसके ऊपर हमने पेंसिल से होलिका और प्रहलाद दोनों को बना लिया था और अब हम आउटलाइन दे रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर या स्केच पेन से आप ये काम कर सकते हैं। और आउटलाइन देने के बाद हम इसमें कलर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का क्विज़ ये है, पहले इस बार हम पहले ही आपसे क्विज़ पूछ रहे हैं कि जो प्रहलाद है, प्रहलाद को बचाने के लिए कौन से भगवान जी ने अवतार लिया था। उनका नाम हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसा कि आप हर वीडियो में हमें इतना अच्छा रिस्पांस देते हैं, सब के सब इतने अच्छे कमेंट्स देते हैं और रिप्लाई करते हैं, तो इस वीडियो में भी ज़रूर हमें बताइएगा। और यहाँ देखिए, ऑलमोस्ट हमने सारी आउटलाइन कर दी है और जब पूरा ये हमारी आउटलाइन हो जाएगी तो अब हम इसमें पेंट करना शुरू करते हैं। आप चाहें तो वाटर कलर कर सकते हैं, आप चाहें तो एक्रेलिक कलर भी कर सकते हैं। ये जो स्किन कलर आप देख रहे हैं, अगर आपको देखना है, आपके पास नहीं है कि कैसे बनाया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक डाल देंगे, तो आप घर पर ही प्राइमरी कलर से इसे बना सकते हैं। और बाकी तो आपकी चॉइस का है, आपको जो कलर कॉम्बिनेशन ड्रेस में दिखाना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, भगवान जी से रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, ड्राइंग की और डॉल्स की मेकओवर की। अगर आपको देखना है तो कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो सबसे पहला कमेंट जो पिंड है उसके लिंक को क्लिक कर दीजिए तो सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। और ऐसे ही वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हम सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन दबा दीजिए, उससे आपके पास मैसेज आ जाएगा जब भी हम अपनी नई वीडियो डालेंगे। तो देखिए, सारा पेंट करने के बाद हम यहाँ पर दोबारा से आउटलाइन कर रहे हैं। उससे क्या है, एक अच्छी सी डिटेलिंग हो जाएगी और अच्छा लुक आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा जो भी आप पेंट करने वाले हैं। और थोड़ी और डिटेलिंग कर देते हैं तो ये हमारी तैयार हो चुकी है, कटआउट हम इसका कर लेंगे। और अब ये खाली खड़ा नहीं हो सकता है। और एक और ट्रिक जो हमें बतानी है आपको, ये मैं आटा ले रही हूँ, नॉर्मल आटा, या आपके पास एम सील है आप वो भी ले सकते हैं। जस्ट इन द जो भी बैक है प्रहलाद की, जो प्रहलाद जी हमने बनाए हुए हैं उनके पीछे, एग्जैक्ट पीछे हमें इसे इस तरीके से चिपकाना है। मीन्स आपको जस्ट प्रेस करना है, वो अपने आप ही चिपक जाएगा। इसका कारण ये है कि जब हम होलिका दहन करेंगे तो उसमें जो हमारे प्रहलाद है वो जस्ट बिकॉज पीछे होने की वजह से चलेंगे नहीं जल्दी से। और ये सपोर्ट के लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा कागज़ को, हमने रेक्टेंगुलर शेप को कट कर लिया है तो हमारे पास ये सपोर्टिव्स हो गए हैं, जिससे क्या होगा कि ये बिना किसी सपोर्ट के पीछे खड़ी हो सकता है ये कटआउट। तो हमारा ये पूरा कटआउट रेडी हो गया है। और अब हम यहाँ पर एक प्लेट ले रहे हैं, स्टील की प्लेट ले रहे हैं, प्लास्टिक बिल्कुल मत लीजिएगा। और ये मैच आप देख रहे हैं, माचिस की तिल्लियाँ, पहले हमने नीचे बेड बना दिया था उनका और उसके ऊपर हमने अपना कटआउट रख लिया। अब माचिस है तो एक को आप जलाओगे, दो तीन को तो अपने आप जलना शुरू हो जाता है फटाफट। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पहले पूरी होलिका जल जाएगी और प्रहलाद जब बच जाए तो आप थोड़ा सा पानी गिरा के आग को बुझा सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए, हमारे प्रहलाद जी बच गए हैं और होलिका जल चुकी है। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी